सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 26 जून 2019 सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट मेथड से आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 रुपीज़ इन टू ईयर्स, दो साल में हो जाता है 6200 रुपीज़ एंड 7400 रुपीज़ इन थ्री ईयर्स, तीन साल में हो जाता है 7400 रुपये। देन द प्रिंसिपल अमाउंट हमको फाइंड करना है। तो देखें जो है शॉर्टकट मेथड इसका क्या है, थ्री ईयर में टोटल अमाउंट या फाइनल अमाउंट हो जाता है हमारा 7400 रुपये। शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, तीन साल में हो जाता है 7400 रुपये एंड टू ईयर में हो जाता है टोटल अमाउंट 6200 रुपीज़। तो हमको क्या करना है, ईयर में से ईयर को माइनस करेंगे, थ्री में से टू माइनस करेंगे, वन ईयर का यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको बता दें, जब टोटल अमाउंट में से टोटल अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट आ जाता है, डिफरेंस जो बचता है उस ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है। तो वन ईयर का जो इंटरेस्ट आया हमारे पास आया, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1200 रुपीज़ जो है हमारे पास एक साल का इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से, अब तो एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास आ जाता है 1200 रुपये, तो दो साल का इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 2 × 1200, देन 2400 रुपये जो है हमारे पास दो साल का इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। हमारे पास दो साल का इंटरेस्ट है 2400 रुपये और हमारे पास दो साल का टोटल अमाउंट है 6200 रुपये। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप जानते हो, प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, टोटल अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूँ, तीन हज़ार आठ सौ रुपये जो है मेरे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में हम जो है टोटल अमाउंट में से टोटल अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है, और जो डिफरेंस ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है, इन दोनों में से किसी एक ईयर का जो है हम इंटरेस्ट निकाल के और उसके टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है ना। तो कई बार जो है इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है, कई बार हमसे जो है रेट भी पूछा जाता है, तो कई बार रेट भी पूछ लेते हैं। तो रेट का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें प्रिंसिपल और टाइम से क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू और टाइम से। तो जो है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें रेट नहीं पूछा गया है, ओनली प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है, लेकिन इसमें कई बार रेट हमसे पूछ लेता है। तो रेट निकालने का जो मेथड है वो मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपका ये आ ही चुका है, ठीक है। रेट इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख देता हूँ, जो है टू ईयर का इंटरेस्ट जो हमारे पास आता है 2400 रुपया है, 2400 रुपये इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू हमारे सामने आई 3800 रुपये इंटू टाइम पीरियड हमारे पास है टू ईयर। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ईजिली मेरे पास क्या आ जाता है, रेट आ जाती है, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर दूंगा तो ये आया अपॉन 38, इससे काटता हूँ तो इसकी जो इंटरेस्ट आई वो 600 अपॉन 19%, इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो ईजिली आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम इसमें रेट भी फाइंड कर सकते हैं और इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा जो आंसर आ जाता है रेट का 31.57%। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको बताया ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। बाकी इस क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी और इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाता है 3800 रुपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जून 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में द सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 692 रुपीज़ इन टू ईयर्स एंड 800 इन फाइव ईयर्स। देखो तो फाइव ईयर में जो है जो टोटल अमाउंट हो जाता है 800 और टू ईयर में जो टोटल अमाउंट हो जाता है, ये है टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो होगा विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये हो जाता है आपका दो 692 रुपीज़। जैसे मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, फाइव में से टू कैंसिल कर देंगे तो थ्री ईयर
इंटरेस्ट आ जाता है आपको, ये आपका आ जाएगा 801। 3 ईयर का जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 108 रुपीज़। देन 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 108/3, देन 36 रुपीज़ जो है आपके पास आ जाएगा। अब हमको इन दोनों में से किसी एक का जो है, किसी भी एक का इंटरेस्ट निकालना है, या तो 2 का निकाल लेते हैं या 5 का निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैंने 3 ईयर का इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस 3 ईयर था, 3 ईयर का जो इंटरेस्ट आया हमारे पास वाया 108 रुपीज़, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है 3 से डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह से 2 ईयर का, 2 ईयर का इंटरेस्ट मैं निकालूंगा, तो 36 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा 72 रुपीज़। तो ये मेरे पास 2 ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया, और 2 ईयर का जो है टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है 692। देन प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 692 में से मैं 72 को माइनस कर दूंगा। मैं, आप जानते हो कि टोटल अमाउंट में से जो है इंटरेस्ट माइनस करने पर हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 620 रुपीज़। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोनों शॉर्टकट मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कंसेप्ट भी आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं सभी क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।